इसी उद्देश्य से मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की है। मेरे इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं गुरु बनकर घूमू। वैसे मैं मेरे साधना में, मैं आज भी मुझे ये बाधा होती है कि मैं साधना नहीं कर सक रहा हूं क्योंकि ये सारे समाज को लेकर चल रहा हूं। मुझे छोड़ दो, एक बार मैं साधना करके बताता हूं कि साधना क्या चीज होती है और साधना का फल क्या होता है। लेकिन बाधा उस समय होती है कि कोई मेरे गुरु पर उंगली उठा के बताए। डॉक्टर नारायण श्रीमाली या निखिलेश रान के शिष्य इस प्रकार है या गुरु जी इस प्रकार कोई बोले तो उसका दुख मुझे जरूर होता है। और मुझसे जितना हो सका है, आज आप आश्रम में देखते हैं, जितना हो सका है उनको रहने, साधना करने, उनको मंत्र जपने, मार्गदर्शन देने, उनका उनकी व्यवस्था करने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। और आज 22 साल 24 साल से 2000 से लेकर आज तक बैठा हूं और कर रहा हूं। मेरा इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा केवल उद्देश्य है मेरे गुरु का नाम संसार में हो। मेरे गुरु जी का जो श्रम है, जिन्होंने सिद्धाश्रम छोड़ के यहां आए हैं, जिन्होंने ताने सुनी जब वहां अवश्य निखिलेशान संन्यास सिद्धाश्रम से आए यहां, तो वो उनका ध्येय क्या था कि सभी को मैं श्रेष्ठता से साथ साधनाएं सिखाऊं। बहुत लोगों ने गुरुजी पत्रिका के माध्यम से आह्वान किया, हर एक आदमी गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने लिखा है, अगर आप तांत्रिक सिद्धियां पुस्तक है तो उसमें पढ़ो, गुरुजी ने लिखा है हर एक आदमी आता और क्या कहता, गुरुजी साधना वगैरह कुछ नहीं, ऐसा करो आप कुछ हमारे कैसे हमारे को नौकरी मिल जाए। अब गुरुजी तब सर फोल्ड कर कहने लगे कि इन सभी लोगों को नौकरी, नौकर बनने की इच्छा, गुलामी करने की इच्छा ये लोगों में बहुत प्रबल है। ये लोग कभी साधक ऋषि नहीं बन सकते, खुद को जीते हुए चार लोगों को जीने की कला नहीं सिखा सकते। ये गुरुजी को बाधा हुई और गुरुजी ने सिद्धाश्रम साधक परिवार की तरफ से मंत्र तंत्र ज्ञान की साधना पत्रिका निकाली। ये गुरुजी का ध्येय था कि साधक बने, आप ऋषि तत्व को लेकर चलो, आप जियो और हजारों लोगों को जीने की कला सिखाओ, और यह नहीं हुआ। हम अगर आज चाहते हैं, मैं आपको आज नहीं कितनी व्यवहार कहता हूं, आप ऐसे सामर्थ्यवान बने। और मैंने मेरे जीवन में आज 12 साल 13 साल से ये देख रहा हूं, या तो हमारे बाड़ा भाव हो, वाक्सर हो, ये कैसी स्थिति में मेरे पास आए थे मुझे पता है। सतीश हो और बहुत सारे लोग किस स्थिति में मेरे पास आए थे पता है। और आज वे जो धर्मशाला या जो गुरु जी का केंद्र चलाते हैं या आश्रम चलाते हैं, उस श्रेष्ठता के साथ कहता हूं कि उन्हें वो सामर्थ्यवान हुए, गुरु पर निष्ठा थी और आगे चले और आगे बढ़े, आज भी कर रहे हैं, गुरु मंदिर बांध रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम भिखारी वाला जीवन ना जिए, भीख मांगने वाला जीवन ना जिए, जिए तो सामर्थ्यवान जिए, ऐसा जीवन जिए कि जिए और 10 लोगों को जीने की कला सिखाएं। आज समाज की परिस्थिति कैसी है आप जानते हैं, हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है, हमारे सनातन धर्म को कहो या फिर इस भारत के भारतवर्ष पर कहो, भारत देश पर कहो, ऐसा प्रहार हो रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं परसों बोलते बोलते सभी को बोल गया कि आज तक हमने देखा है, अगर कहते हो कि तुम्हारे देवताओं में शक्ति है, तुम्हारे मंत्रों साधना में शक्ति है, बहुत लोग वो लोगों को मैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे कहते हुए देखता हूं कि मुझे काली प्रसन्न है, मुझे काली छिन्नमस्ता प्रसन्न है, मुझे बगलामुखी प्रसन्न है। अरे बगलामुखी प्रसन्न है तो देश के वालों के ऊपर ही चलाएगा, तेरे भाइयों के ऊपर चलाएगा क्या? बगलामुखी उस पर प्रहार कर जो तेरे धर्म के विरुद्ध है, जो तेरे धर्म के नाश करना चाहते हैं, तेरे देश का नाश करना चाहते हैं, उसको प्रहार कर। और जिस दिन ये कला को सीखेगा उस दिन लक्ष्मी तेरे पास होगी। इसलिए हम श्री सूक्त में पढ़ते हैं, उपैतु माम देवसा कीर्ति चमन्ना सह प्रादुर्भूतो राष्ट्र अस्मिन् कीर्ति मुक्तिम दात में। हे महालक्ष्मी मां, मुझे ऐसी कीर्ति और यश दे, मैं मेरे राष्ट्र को सुरक्षित बनाऊं। तेरे देव सखा जो है कुबेर और धन भंडार विरोचन, ये मेरे लिए कृपावान बने, तू लक्ष्मी मेरे वार कृपावान बने, ये श्री सूक्त में कहा है। और राष्ट्र की श्रेष्ठता दी है, राष्ट्र को सूक्ष्म सुभिक्षित बनाने के लिए ये श्रेष्ठता चाहिए। और ये जब तक नहीं होता, हम अपने लिए जी रहे हैं तो और कितने लिए जिएंगे? ऐसा तो मर ही जाएंगे, कल कोई पूछने वाला नहीं होगा, तुम्हारा कोई बेटा थोड़े दिन भी फोटो लगाए दूसरे दिन तेरा फोटो भी निकाल देगा, तुझे याद भी नहीं करेगा तुझे क्या किया। ऐसा कुछ कार्य करके बिता तेरे गुरु के ऊपर तेरे विश्वास, और जो गुरु के लिए अपना जीवन जिया उसको आने वाले 7 पीढ़ियां 7 लोग 7 जन्म उसे याद करेंगे जो गुरु के सारे कार्य किया है, चाहे उसके लिए हमें मर मिटना पड़े। मैंने इस 22 साल में कितने लोगों ने कैसी प्रताड़नाएं दी मैं आपको बता, बहुत बार बता चुका हूं और बता रहा हूं, आज भी मैं सहता हूं, केवल इसलिए कि आगे बढ़ रहा है, ये सबको लेके चल रहा है। प्रश्न उनको सबसे बड़ा आता है कि इसके पास पैसा कहां से आता है, सबका प्रश्न ये है। ये अगर खाना फ्री में देता है तो पैसा कहां से आता है, रहने के लिए फ्री में देता है तो पैसा कहां से आता है, दीक्षा देने के लिए पैसा नहीं लेता, न शक्तिपात दीक्षा को पैसा लेता है,
और ये खाना खिलाता है तो फ्री। आज गुरु पूर्णिमा में, दूसरी गुरु पूर्णिमा में और यहां गुरु पूर्णिमा में देखे तो आप अनुभव करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इस जो आप आज पंडाल में बैठे हुए हैं या इस अलंकरण को, मैं चाहता हूं कि मेरे गुरु जी को सोने के सिंहासन पर बिठाऊं और मेरे गुरु का नाम सारे संसार में। ये बात मैंने बहुत बार कही है और आज भी कहता हूं, और पहले भी कहा हूं और आज भी कहता हूं, कभी इस मंदिर के लिए तुम्हारे पास से भीख नहीं मांगूंगा कि मैं मंदिर बांध रहा हूं पैसे दो। आपकी इच्छा से आप देते हैं, भक्ति से देते हैं तो जरूर लूंगा, लेकिन मांगूंगा नहीं कि मैं मंदिर बांध रहा हूं तुम मुझे पैसे दो, ऐसा जीऊंगा ही नहीं। और आपको भी यही कला सिखा रहा हूं, जियो तो ऐसे जियो तुम्हारे संसार तुम्हें देखते रहे। और ऐसा जीवन जीने के लिए हमें क्या करना होता है, जीवन के 22 साल 25 साल गुजारा हूं आपके साथ, हर वर्ष देखते हैं आपको, मैं अयप्पा में षोडश लक्ष्मी की साधना मैं स्वयं बैठकर करता हूं, कार्तिक विरजन साधना मैं स्वयं बैठकर करता हूं, श्री सुक्ति की साधना होती है, चंडी हवन होते हैं, शास्त्र चंडी या सतचंडी होते हैं, आप आश्रम में देखते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, मैं चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ बने। आज कोई लोग किसी के पीछे, लाखों लोग जा रहे हैं, वो लोग आज है कल जाएंगे, लेकिन हमारा कार्य आने वाले पीढ़ियों तक रहेगा, जो तपस्या करते आज ऋषियों को जानते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे संत आए चले गए जिनको किन्होंने याद रखा, कितने लोगों ने याद नहीं रखा, ये बात अलग है। हमारे गुरुजी साधना के रूप में, पुस्तकों के रूप में, ज्ञान के रूप में, शिविरों के रूप में याद रखे जाएंगे, आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया है। वो ऋषि तत्व है, ऋषि परंपरा है, और उस ऋषि परंपरा को चलाने के लिए आपको सामर्थ्यवान बनना है। आप सामर्थ्यवान नहीं हुए तो मैं आपको कुछ भी कहना व्यर्थ है, या मैं यहां बैठना भी व्यर्थ है, मैं आपको कहना भी व्यर्थ है, फिर मैं अकेला चला लूंगा, कैसा करना है मैं देखूंगा, लेकिन चाहता हूं कि आपकी आंखों में भी कभी आंसू ना हो, आपकी आंखों में भी दयनीय स्थिति ना हो, आपके आंसू में भी भिखारीपन ना हो। आप कहे तो छाती ठोक के कहते हुए आए, गुरु जी बोलो हमें गुरु कार्य क्या करना है। जिस दिन ये कहेंगे मैं भी समझूंगा कि आप गुरु कार्य में मेरे साथ है, मैंने आपको सक्षम बनाया, सामर्थ्यवान बनाया। और जब तक ये सामर्थ्य नहीं आएगा तब तक हम जीवन में क्या जी रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं हाँ आप ब्रह्म को जानो, अरे सारे घर में बेटी की शादी होनी है, बाप बीमार पड़ा हुआ है, इसके इसको शुगर बीपी हो गई है, उसको ब्रह्म को जानो, क्या करेंगे, ब्रह्म बीपी शुगर को देता है क्या? पहले उसकी समस्या का समाधान करो, जिसको बीपी शुगर है, जिसको घर में बीमार है, उसको ब्रह्म ज्ञान जानो, आप ब्रह्म को जानो, काहे का ना ब्रह्म सर फोड़ लेंगे क्या, ब्रह्म को जाने जाके किस समुद्र में कूद जाएंगे, ब्रह्म को ऑलरेडी जान जाएंगे। पहले हमें गुरुजी ने इसलिए ही अपने जीवन में भौतिक साधना सफलताएं इस साधना पुस्तक को लिखा था और लक्ष्मी साधना पुस्तक लिखा था। गुरुजी जानते थे कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान जब तक नहीं करूंगा तब तक आपको ब्रह्म ज्ञान या दशमा विद्या का ज्ञान मैं नहीं दे सकूंगा, क्योंकि तुम उतनी बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं कर सकोगे, तुम्हें पहले अपनी समस्याओं का समाधान करना है। और यही कारण लेकर गुरु जी ने आगे होकर कहा था कि तुम पहले तुम्हारे घर की समस्याओं को का निवारण करने के लिए जो मार्ग है वो साधना मार्ग है, और पत्रिका के माध्यम से तुम्हें उस हर समस्या का समाधान करने के लिए मैं देता हूं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है और कल भी कहूंगा, आप केवल महीने के 5 दिन मुझे दे दो या मुझे मत दो, भौतिक साधना है सफलता है, एक साधना हर महीने के 5 दिन करते रहो, ऐसा अगर आप पूर्ण भौतिक साधना है सफलता है या लक्ष्मी साधना है पूर्ण होगी, अब उस दिन आके मुझे मिलना, आप मुझे पैसे देने के योग्य होंगे, श्रेष्ठ होंगे, धनवान होंगे, ऐश्वर्यवान होंगे, मेरा रोग निवारक क्रिया होंगी, तुम्हारे में रोग नहीं होंगे, क्योंकि गुरुजी ने उस पुस्तकों में उतना ज्ञान दिया है। हम करते नहीं, हमें साधना करने के लिए आगे पीछे सोचना पड़ता है, और यह आगे पीछे सोचना हमारे लिए नहीं है। गुरुजी ने तुम्हें वो सब कुछ दिया है जो इस संसार में किसी ने नहीं दिया, वो ज्ञान दिया है कि तुम सामर्थ्यवान कैसे बनो। मुझे कभी लगता है कि कोई घुटना दर्द है, कोई सर दर्द है, गुरु जी साधना करते करते मुझे बहुत सर दर्द है, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊं क्या, साधना बंद कर दूं क्या? अरे मर जाता तो ठीक था, साधना दर्द दे रहा है तो साधना कर बोलता हूं, इतना गुस्सा आ जाता है मुझे, वो बहाने बनाता है। मुझे बुखार आया है, बुखार आया तो खाना छोड़ दिया क्या, बुखार आया तो ऐसा बैठा है क्या? नहीं, वो कहेगा गुरु जी अभी फोन आया है, मेरी बेटी स्कूल से नहीं आई है, मुझे लाने को जाना है। अरे कोई दूसरा जाके रहता है, साधना छोड़ के बेटी को लाने जाएगा? हमारे पास ऐसे बहाने बनाने वाले हैं। और मैं आपको कहता हूं, उस दिन अगर गुरुजी के कहने पर मैं जंगल में जाकर साधना नहीं करता, मेरे 86 से 93 का जीवन कैसे बीता, मेरे माता पिता मेरे स्वजन मुझे कितना गुस्सा करे, एक पत्नी ही थी जो, और बच्चे थे मुझे सहायक थे, मेरा भाई दत्तू सहायक था, जिसने कभी भी ये उंगली उठा करने कहा भैया तुम साधना को जाओ, ऐसा कहा करती है और साधना को गया।
और वो 7 साल की साधना जो है आज आप रिजल्ट मेरे सामने देख रहे हैं। मैंने जंगल में अकेला रहकर साधना किया, कभी विचार नहीं किया कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। आज आपके सामने बैठा हूं और इतने धड़ल्ले के साथ कह रहा हूं, किसी को ठेस पहुंची होगी तो मेरे ठेस पहुंचना मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा काम नहीं है। लेकिन मेरा यह कहना है कि हर उस ज्येष्ठ गुरुवाई को कहता हूं मार्गदर्शन दे और उन गुरु जी के उस श्रेष्ठता को लेकर आगे चले जिसमें उन्हें साधना प्रक्रिया समझाई है, साधना को समझाया है। आज हमारे पास में सब लोगों को ये देखते हुए गुरु जी नौकरी नहीं मिल रही है, गुरु जी व्यापार नहीं चल रहा है, तेरे पास अगर लक्ष्मी कला हो, तेरे पास लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी के साथ साथ धन भी आएगा, ऐश्वर्य भी आएगा, कीर्ति भी आएगी, सब आएगी। श्री सूक्त में क्यों कहा जाता है, हे लक्ष्मी तुझे आह्वान ऋषियों ने कहा है, ये वेद ऋचाएं हैं, इसको लेकर जिसको लेकर श्री सूक्त बनाया है उसमें क्यों कहा गया है कि लक्ष्मी तुझे लक्ष्मीवान बना, ये ऋषि कह रहा है। क्यों कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि उसको राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना है, हर एक उसके पास जो